आज हम लोग हाउ मच और हाउ मेनी का प्रयोग सीखेंगे। बहुत सारे बच्चों का डिमांड आया कि सर हाउ मच और हाउ मेनी में क्या अंतर है, तो फटाफट देखते हैं। मैं आपका धर्मेंद्र सर स्वागत करता हूं डीएसएल इंस्टीट्यूट में, डॉक्टर मुखर्जी नगर दिल्ली। यहां पर बात करें बच्चे, बहुत से बच्चों का डिमांड है कि सर हाउ मेनी और एक वर्ड है हाउ मच। बच्चों ने कहा कि सर मेनी और मच तो आता है, बट हम जानना चाहते हैं कि हाउ मच और हाउ मेनी में क्या अंतर है, कैसे इसका यूज किया जाएगा, किसका बच्चे हाउ मेनी और हाउ मच का। तो पहले हम एक एक पॉइंट आराम से देखते हैं कि आखिर हाउ मेनी का प्रयोग कहां करते हैं। तो पहला चीज ध्यान दो कि हाउ मेनी के बाद काउंटेबल का प्रयोग किया जाएगा। हाउ मेनी के बाद काउंटेबल नाउन का यूज किया जाएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट कि हाउ मेनी के बाद जो नाउन आएगा वो काउंटेबल होगा और प्लूरल नाउन होगा, प्लूरल नाउन का यूज किया जाएगा। हाउ मेनी के बाद क्या प्रयोग किया जाएगा, काउंटेबल नाउन का, क्या प्रयोग किया जाएगा प्लूरल नाउन का। और ध्यान देना है कि हाउ मेनी के बाद जो वर्ब होंगे वह भी प्लूरल हो सकते हैं, जो वर्ब होंगे वह भी प्लूरल हो सकते हैं। ये डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द सेंटेंस। तीसरी बात, ये तीन पार्ट तो होना ही होना है। हाउ मेनी के बाद कभी भी अनकाउंटेबल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। हाउ मेनी के बाद कभी भी सिंगुलर का प्रयोग नहीं किया जाएगा, तो यह ध्यान रखना है। तो हाउ मेनी के बाद काउंटेबल नाउन प्लूरल नाउन का यूज करेंगे, हाउ मेनी के बाद अनकाउंटेबल का प्रयोग और सिंगुलर का प्रयोग नहीं करेंगे। ये बात समझ में आ गया आपको। अब देखते हैं हाउ मच का प्रयोग कहां करते हैं। हाउ मच का जो प्रयोग करते हैं बच्चे, वह ध्यान दीजिए कि हाउ मच के बाद, यानी हाउ मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन का यूज करेंगे हाउ मच के बाद। दूसरा कॉन्सेप्ट, अनकाउंटेबल अगर है तो ध्यान देना इसके साथ सिंगुलर नाउन का यूज करेंगे, यानी कि इसके साथ हम लोग सिंगुलर नाउन का यूज करेंगे। तो हाउ मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन, हाउ मच के बाद सिंगुलर नाउन का यूज किया जाएगा, यानी कि इसके साथ, ये दो तो होना ही होना है, इसके साथ आप ध्यान देना कि जो वर्ब होगा वह भी सिंगुलर होगा। तीसरा कॉन्सेप्ट ध्यान कर बच्चे, खास करके किसके साथ प्लूरल का प्रयोग नहीं करेंगे, इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज नहीं किया जाएगा, इसके साथ काउंटेबल का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमने दो कॉन्सेप्ट लिया। पहला कॉन्सेप्ट हाउ मेनी के बाद काउंटेबल प्लूरल का प्रयोग करेंगे और अनकाउंटेबल के बाद यहां पे हाउ मच के बाद अनकाउंटेबल। अब इसका हिंदी क्या होता है, तो हाउ मेनी का हिंदी होता है कितना, कितने, कितनी। तो हाउ मेनी का मतलब कितना, कितनी, कितने। ठीक है, हाउ मच क्या हिंदी भी होता है, कितना, कितने और कितनी। तो हाउ मच हाउ मेनी हिंदी देखा जाए तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, बट एग्जांपल में क्या होगा, जैसे कितना दूध है, कितना पानी है ना, तो इस तरह से बात हम करेंगे। तो अब इसके हम लोग देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। ठीक है बच्चे, अब यहां से कुछ एग्जांपल चेक करते हैं। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, हाउ मच और हाउ मेनी। अब मेनी का मतलब क्या है, काउंटेबल, और मच का मतलब अनकाउंटेबल, तो वहां पे ध्यान रखना। अब एग्जांपल लिख दिया ताकि आप जल्दी से समझ पाओ और फटाफट से नोट डाउन कर लो। अब देखते हैं आप कितने, कितने लोग कल आएंगे, तो कितने लोग, लोग क्या हो गए प्लूरल, इसका मतलब कि यहां पे मुझे चाहिए हाउ मेनी। और हाउ मेनी की खासियत है कि इसके बाद नाउन जो चाहिए वो हमेशा तुरंत चाहिए प्लूरल नाउन। क्लियर, अब देखिए कितने लोग कल आएंगे, तो हाउ मेनी प्लस नाउन प्लूरल। अब चेक करते हैं कि हाउ मेनी प्लस प्लूरल नाउन, तो हाउ मेनी पीपल अब कल आएंगे, ये सेंटेंस फ्यूचर को शो कर रहा है, तो कितने लोग कल आएंगे, तो हाउ मेनी पीपल विल कम टुमारो, तो हाउ मेनी पीपल विल कम टुमारो। अब देखते हैं आप कितने अंडे खा सकते हैं, तो आप कितने अंडे, अंडे क्या हो गए काउंटेबल। अब यहां देखो कितने, तो आप कितने अंडे खा सकते हो, यहां भी तुम अब तक कितने फिल्म देखे हो,
तुम वहां कितने दिन, तो कितने कितने वर्ड हैं जो काउंटेबल को शो कर रहा है। अगर काउंटेबल हो तो हाउ मेनी का प्रयोग करेंगे। हाउ मेनी एग्स कैन यू इट, हाउ आप कितने अंडे खा सकते हैं, हाउ मेनी एग्स तो कितने, हाउ मेनी अंडे एग्स खा सकते हैं, कैन यू इट, क्लियर। तो हाउ मेनी एग्स कैन यू इट राइट नाउ। नेक्स्ट है, तुम अब तक कितने फिल्म देखे हो, तो कितने फिल्म, तो कितना आसान है ये, हम लोग डे टू लाइफ में आराम से बोल सकते हैं, है ना। तो कितने, तो हाउ मेनी हाउ हो गया। स्ट्रक्चर देखो, हाउ मेनी के बाद नाउन क्या चाहिए हम लोगों को, प्लूरल, तो प्लूरल क्या, फिल्म, तो हाउ मेनी मूवीज, तो हाउ मेनी मूवीज हैव यू वॉच्ड टिल नाउ, अब तक, टिल नाउ मतलब अब तक, यानी वॉच्ड देखे हो, हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, टिल नाउ अभी तक, यानी अभी तक तुम कितने मूवी देख चुके हो या देखे हो, राइट। तुम वहां कितने दिन ठहरोगे, फ्यूचर की बात कर रहा है, तुम वहां कितने दिन ठहरोगे, तो कितने, हाउ मेनी दिन डेज ठहरोगे, विल यू स्टे देयर, तो हाउ मेनी डेज विल यू स्टे देयर, है ना। इस तरह से हमने लिख दिया ताकि आपको आसानी हो, क्योंकि आप कहते हो कि सर जल्दी में आप लिखते हो तो पढ़ नहीं पाते, इसलिए हमने लिख करके दे दिया ताकि आपकी फरमाइश सर आंखों पर, आप बेहतर सीख पाओ, इसलिए मैं सब चीज आपको लिख करके दे रहा हूं ताकि सीख पाओ। अगला दिया, उसे कितने पैसे की जरूरत है, इसकी कीमत कितनी है, तुम कितना कमाते हो, इस तालाब में कितना पानी है, हो सकता है, अब यहां देखना है कि उसे कितने पैसे की जरूरत है, कितने, यानी यहां पे हम अनकाउंटेबल की बात कर रहे हैं, तो यहां बात करेंगे हाउ मच, क्योंकि मात्रा हो रहा है, और मात्रा जो होता है, क्वांटिटी जो होता है, वो हमेशा अनकाउंटेबल होता है। तो हमने कहा हाउ मच क्या चाहिए, पैसे, मनी, और मनी वर्ड अनकाउंटेबल, और नाउन पाया होगा तो मनी और रूपी दो वर्ड होता है, जो मनी होता है वो अनकाउंटेबल होता है, और जो रूपी होता है वो काउंटेबल होता है। अगर यहाँ पे कितने रुपये की जरूरत थी तो हम हाउ मनी लगाते, क्योंकि रुपीज वर्ड काउंटेबल है और मनी वर्ड अनकाउंटेबल है, तो हाउ मच मनी डज ही नीड, जरूरत का हो गया नीड, पैसे तो हाउ मच मनी, ठीक है, जरूरत है प्रेजेंट की बात करा है, तो हाउ मच मनी डज ही नीड, इसकी कीमत कितनी है, इसकी कीमत, कीमत क्या हो गया अनकाउंटेबल, तो हाउ मच डज इट कॉस्ट, तो हाउ मच, अब यहां पे क्या दिया यहां पे, तो हम ध्यान देंगे कि इसकी का मतलब क्या हुआ, कोई चीज वस्तु हो गया, तो हाउ मच डज इट कॉस्ट, चूंकि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, तो हाउ मच डज इट कॉस्ट, तुम कितना कमाते हो, कितना कमाते हो, हाउ मच डू यू अर्न, हाउ मच मतलब कितना, हाउ मच डू यू अर्न, उस तालाब में कितना पानी है, उस तालाब में कितना पानी है, तो हाउ मच वाटर, अब यहां पे कितना पानी, तो हाउ मच वाटर मे देयर इन द पॉन्ड, तो हाउ मच मे देयर बी इन द पॉन्ड, बी का मतलब होना, यानी हो सकता है, तो हाउ मच वाटर, हाउ मच वाटर मे देयर बी इन द पॉन्ड, यानी उस पॉन्ड में, पॉन्ड मतलब तालाब, उस तालाब में कितने पानी हो सकते हैं। इस तरह से हम लोग क्या देखा, हाउ मेनी हाउ मच, ये सेंटेंस है। अब इस हाउ मेनी के और हाउ मच के आधार पर, यानी हाउ मच के आधार पर आप जितने सेंटेंस चाहें आप उतने बनाएं और बोले, आई होप आपसे सही होगा, ठीक है। और साथ ही साथ आप जितने बेहतर पढ़ सकते हैं और अपने बच्चों को साथ साथ, ये पूरे जितने भी बच्चे हैं सबको शेयर भी कर सकते हो और देख सकते हो, ठीक है। इट्स ऑल फॉर टुडे, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।